वक्त और हालात के थपेड़ों ने मेरे चेहरे को बदल दिया है। अच्छा या बुरा ये मैं नहीं जानता। खैर तुम मेरा बीपी चेक करो यार। जस्ट अ मोमेंट। बीपी हाई है। तुम्हें और कुछ कहना तो फिजूल है। मैं अभी इंजेक्शन दे देता हूँ, तुम कन्हैया को भेज देना, मैं दवाइयाँ दे देता हूँ। रिलैक्स। देखो ऐसा करो धवन, मुझे लगता है तुम्हारे सारे टेस्ट फिर से लेने पड़ेंगे। पहले ऐसा करते हैं कि कार्डियोग्राम चेक कर लेते हैं। यू डोंट माइंड? कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन, प्लीज प्लीज हरी। मुझे लगता है कि सब टेस्ट करने ही पड़ेंगे। कार्डियोग्राम से अगर काम नहीं चला तो और सारे टेस्ट लेने पड़ेंगे, प्लीज। भैया हाय। साधना तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज गो अवे। भैया मैंने इतना फोन ट्राई किया, एंगेज आ रहा था। साधना प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। धवन अंदर कमरे में है। भैया प्लीज गो। यहाँ कौन आया था? कौन का यहाँ? हाँ नर्स, नर्स आई थी। क्यों? नहीं कुछ। एनीथिंग रॉन्ग? नो नो। अच्छा मैं चलता हूँ। इट्स राइट, टेक केयर। हेलो। हेलो अवंती। परीक्षित कहाँ तुम लोग यार? तुम लोग? व्हाट डू यू मीन? भाई हम तो अपने ऑफिस में अकेले बैठे हुए हैं। अकेले हो? लेकिन मम्मी तो सीधा तुम्हें मिलने गई थी। ओह मुझे लगता है कि मम्मी जरूर डॉक्टर अंकल को मिलने गई होगी। देखो ना सुबह सुबह मुझे अकेली सोती हुई छोड़कर चली गई। सुबह सुबह? ओहो आजकल जनाब की सुबह दोपहर में होती है तो कोई क्या करे। कोई ये करे कि सीधा फोन को नीचे रख कर सारे ब्लूप्रिंट्स को कचरे के डब्बे में डालकर अपनी खटारी को उठाकर यहाँ चले आए। वरना वरना क्या? 10 मिनट पूरे हो जाने दो, खुद ही पता चल जाएगा। हेलो हेलो ये लड़की है हरी मिर्च। ठीक है मैं शाम को आगे बात करता हूँ। सर ओके थैंक यू। यस जमी सर वो मिनिस्टर बाबन राव से बात हो गई है, वो यहाँ आने वाला है अभी। गुड जाने दो। वो माहौल वाली वो फाइल तो शिव के पास है। सर वो फाइल आ गई है, आज सुबह ही कुरियर से आई है। और प्लॉट नंबर्स बदल दिए गए। कोई बात नहीं जमी, सोलंकी का बेटा वो जमीन खा तो गया लेकिन हम उसे हजम नहीं करने देंगे। जैसे आए तो मुझे बता देना। जी। यू नो अवंती, जिस देश में तुम आई हो वो असली हिंदुस्तान नहीं है। अगर तुम्हें असली हिंदुस्तान देखना है तो यू मस्ट गो टू द इंटीरियर्स। यू मीन द कंट्री साइड? एग्जैक्टली। लेकिन वहां तो बहुत सांप होते हैं। हाँ सांप तो होते लेकिन जंगलों में, बस्तियों में नहीं। सच अवंती, हिंदुस्तान जैसा देश इस धरती पर और कहीं नहीं है। यहाँ के गांव, यहाँ की नदियां, पर्वत, जंगल माइनस सांप, मंदिरें, यहाँ के लोग, संस्कृति, सब कुछ नेचुरल है। बस यूं समझ लो कि और जो कुछ भी है बस हिंदुस्तान में ही है, और जो हिंदुस्तान में वो और कहीं नहीं है। मैडम मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? एनीवे तुम यूं ही बोलते जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तुम्हारा मतलब है मैं कि कुछ देर के लिए पॉलिटिशियन बन जाता हूँ और मैं भाषण देता हूँ, तुम ऑडियंस में बैठकर मुझे एडमायर करो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। शार्प स्टूपिड। अरे मामा आ गई। हेलो साधना जी, अच्छा आप आ गई, वरना ये लड़की तो मेरा दिमाग। परीक्षित, मेरे सिर में दर्द है, now please if you don't mind. I don't. पता नहीं अचानक मामा को क्या हो गया। प्लीज बैठ जाओ परीक्षित। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, कोई भी परेशानी की बात हो तो प्लीज गिव मी अ कॉल, ओके? प्लीज डोंट फील बैड। नॉट एट ऑल, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, कामकाज कैसे चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा साधना से मिल लेता हूँ। अब हेलो डॉक्टर अंकल, मामा वो साधना कहाँ है? मामा अपने कमरे में है। डॉक्टर अंकल, इज देयर समथिंग रॉन्ग? नहीं, कोई खास बात नहीं है, वो किसी बात पर मुझसे नाराज हो गई है। आपसे नाराज? तुम यहीं रुको, मैं उसे जरा जाकर मनाता हूँ। ओके प्लीज। भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वापस लौट आया है? मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे मौका कहाँ मिला, और तुमने मुझे इन्फॉर्म भी तो नहीं किया कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। मैंने कितनी बार आपका फोन ट्राई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वापस लौट आया है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वापस लौट आया है? और भैया वो मुझे देख लेता तो क्या हो जाता? साधना जरा समझदारी से काम लो प्लीज। भैया अब तक तो मैं इस इत्मीनान से खुली तरह घूम फिर रही थी कि वो इस शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। कम ऑन साधना, तुम कैसी बातें करती हो? भैया उसका साया हर दीवार पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी हजारों आंखें मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। भैया यहाँ तक कि अब मुझे उसकी सांसें अपने गर्दन पर महसूस भी होने लग गई हैं। साधना होश में आओ प्लीज, रिलैक्स। भैया मुझे लगता है जैसे मैं अभी पलटूंगी और उसे खड़ा जोर जोर से हंसता हुआ देखूंगी, जैसे वो हर किसी की बर्बादी में हंसता आ रहा है। पता नहीं सारी दुनिया से अकेली जूझने वाली तुम प्राण से इतना डरती क्यों? क्या होगा अगर वो तुम्हें देख लेगा तो क्या होगा? भैया मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने वो कितनी बार समझाया है मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन अगर वो अवंतिका को देख लेगा ना तो वो हमेशा हम दोनों को जुदा कर देगा। ऐसे कैसे अवंतिका को तुमसे जुदा कर लेगा वो, वैसे तुम्हारी इजाजत के बगैर तो? भैया भूलो मत, एक बार मैंने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, मैंने उसकी गैरत को ललकारा था। जब उसके डर से हर एक जुड़ा हुआ इंसान कांपता था, ऐसे में मैंने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा था और फिर उसका अपमान कर मैं उसे छोड़कर चली गई थी। क्या वो अपने इस अपमान को भुला सका होगा? नहीं भुला, नहीं भुला। लगातार इतने बरसों से तुम्हारी तलाश करवा रहा है। Yes. भैया, मैंने सोच लिया है, अवंति मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर वो बाहर जाएगी तो सिर्फ आपके साथ या परीक्षित के साथ, और इसके बीच अगर मुझे प्राण कहीं मिला भी ना तो उसे अवंति के बारे में जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। भैया उसे जरा भी पता नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा। सब, these are the final figures. शमा ये वाला नहीं, इसके बाद की जो स्टेटमेंट बनाई थी वो कहा है? एक मिनट सर। कन्हैया,
तुम प्रेम को यहाँ लेके क्यों आए? मालिक मैंने मना किया था पर प्रेम बाबा जीत करने लगे। घर लेके जाओ इसको। चलो बाबा जाओ। प्रेम सब सब उसे रहने दीजिए ना। ठीक है कन्हैया तुम जाओ। कि मैं हंस क्यों रहा हूं? देखो देखो इसे, मेरा सपना साकार हो गया। क्या मतलब? क्या मैं हमेशा सोचा करता था कि एक दिन मेरा बेटा मेरी इस कुर्सी पे बैठेगा। जी देखो मेरा सपना सच हो गया। ऑफिस अच्छा लगा? और तुम ये कुर्सी पे बैठे हो, ये कुर्सी तुम्हें अच्छी लगी? जानते हो ये कुर्सी किसकी है? बताओ किसकी है ये कुर्सी? ये सुसरा बैंगन सीधे काहे नहीं खड़ा रहा था? यहाँ हुआ लुढ़क रहा है। अरे तो तुम रखो ना, ये तरकारी काटे का काम तुम्हारा है का? हाँ चलो छोड़ो, हटो वहां से। हम तुम्हारा मदद करे की कोशिश कर रहे हैं और तू हमका हुमकाए रही हो। बिकौसी बिटवा कहाँ है? विद्या अपने संग बाजार ले गई है। अच्छा तो ससुराली छोड़ो ना चावल और तरकारी को, तनिक हमरा पास आओ, दुई ठो मीठी मीठी गुफ्तगू करो। हाँ अरे हटो, बुढ़ाए गए हो, तनिक लिहाज तो करो। कौना बुढ़ाया गया है कौसी? हाँ और नहीं तो का, आज दुई दिन से तुम घर में बैठे हो तो हम समझे कि का जाने तुम्हारी कमरिया में दर्द हुई। अरे वो तो हम अपनी मर्जी के मालिक हैं कौसी, मन करेगा सो काम पे जावेंगे या नहीं करेगा सो नहीं जावेंगे। पर ये कमरिया वमरिया का ताना हमको ना ही ना दियो, बहुत ही जोर है हमारी कमरिया में। हाँ हम तो ई वास्ते कहत रहे हैं कि आज दुई दिन से न तुम मंदिर गए हो और न ही तुम्हारे देवता लोग तुमको याद किए हैं। का हुआ पूजा पाठ छोड़ दिए का तुम? ए, देख रहे कौसी, हम तुमका पहले भी कह दिए हमारा काम बाबत और हमारा मालिक बाबत कभो मजाक नहीं ना करो, कभो मजाक नहीं ना करो। अरे वो हमारा मालिक है, रोटी देते है हमका, रोटी देते है। और उका बदली मा कौन किस्म का काम करावत है? हा? अब जान काम हमका आवत है उही काम ना करवाएंगे। कासे का अच्छा है का बुरा है हमका समझावने का कोनो जरूरत नहीं है। अब जाके हमरा पनवा लेके आओ। जाओ केसरी, केसरी तुमको
धवन साहब ने घर पे बुलाया है। हमारा ही मिलना है धवन साहब से। केसरी समझा करो, चलो हम एक सर पे जाएंगे। वहां उस ससुरा सिर नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारा आग के सामने आई गवा तो हमारा खोपड़ी घूम जाएगा। ठीक है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। फिलहाल तो चलो चलो। वाह महाराज जी, मिनिस्टर होकर आप ऐसी बात करते हैं तो फिर हम लोगों का क्या होगा? क्यों, मिनिस्टर के क्या कोई सींग होते हैं? खैर, इलेक्शन आने वाले हैं जी है। और बिल्डर्स एसोसिएशन में तकरीबन सारे आदमी मेरे ही हैं। धवन साहब कुछ भी कहिए, लेकिन हमसे अच्छा पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं। मेरा कहना मानिए और इस बार इलेक्शन में आप खड़े हो जाइए। अरे मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा हमारे पार्टी की। काहे को बेकार में मुझे फंसा रहे हैं नेताजी? हम ठहरे मजदूर आदमी, काहे को मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं बेकार में? ठीक है, मत मानिए लेकिन बाद में पछताएंगे। सुना है कि अपोजिशन वाले सोमराज के पास गए थे और सोलंकी से भी मिले थे। तो इसका मतलब अपोजिशन वाले सोमराज और सोलंकी को नेता बनाएंगे? अच्छा है, मैं तो चाहता भी। लेकिन धवन साहब, अगर गलती से वो जीत गए तो तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएंगे और साथ में मेरे भी। घबराइए नहीं नेताजी, वैसे तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा, और अगर कोई हो भी गया तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, आपको एक तकलीफ थी। हाँ हाँ कहिए। आप तो जानते ही होंगे कि वो माहौल वाले दरिया किनारे जमीन पे टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले कुछ प्रोग्रेस प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ हाँ, उसके लिए तो कुछ प्लॉट्स भी रिजर्व हो गए हैं जी। मैं चाहता हूँ कि प्लॉट नंबर 48 उसे भी रिजर्व कर दिया जाए। क्यों, ये प्लॉट किसका है? सोलंकी का? नहीं, मेरा। ये लीजिए। अरे धवन साहब, आप भी, इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है, तो मैं समझूं कि वो प्लॉट नंबर 48 रिजर्व हो जाएगा। अजी आपका काम हो गया, समझ लीजिए। कैसे होगी सही? बस दया है मालिक की सरकार। बात क्या है? अब कहाँ कहाँ है सरकार? मैं जानता हूं कि तुम हमसे नाराज हो। अरे नहीं साहब, कैसी बातें करंत है आप? आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आपसे कैसे नाराज हो सका था? तो फिर शिवा से नाराज होंगे। कैसे, तुम्हारा एक बेटा है ना? हाँ सरकार, बस एक ही है। शैतानी करते हैं। शैतानी? अरे ससुरा बाप से बढ़ के है सरकार। और कभी कभी खेल खेल में तुम्हें मारता भी होगा? पूछिए मत सरकार, क्या कहें। ये सारी दुनिया केसरी पंडित से घबराता है, लेकिन उस ससुरा हमारी मूछ पकड़ के झूला झूलत है। तो तुम क्या करते हो, उस पर नाराज हो जाते हो? अरे नहीं साहब, बच्चा है, नादान है, उका कोनो समझ है कैसा है। केसरी देखो,
शिवा भी नादान है। समझ गया साहब, अच्छी तरह समझ गए। वो कहा है कि हमरा ही खोपड़ी में गोबर भरा है, सीधी बात हमका समझ में नहीं ना आती, बहुत सीधे हैं ना हम। हमका माफ कर दियो साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कैसी ऐसी कोई बात नहीं, हम सब समझ गए। मैं फोन देख के आता हूं। हेलो।